Hello, hi everyone. How are you all doing? So welcome to my channel that is Neat Biology Unplugged. So I hope you all are watching my videos and you are following the Scientist series. I know the Scientist series came little late this time, right? Scientist series 7 jo recently upload hua hai, wo kafi late aaya. Sorry for that, but still I will try to cover it and finish it within 4-5 video so that you know you have everything together and you can work hard. ठीक है, plus I will try कि हम एक साथ एक बार सारे खुद lecture में भी revise कर ले so that you can study with me, you can remember with me and you can enjoy with me. ठीक है, so आज का lecture जो है वो काफी short है because actually जो last part बचा है आपके fluids में that is lymph. ठीक है, so lymph is the last fluid which is present, which is left. इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा सर्कुलेटरी पाथवेज एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. सो मैंने सोचा इसको पहले खत्म कर देते हैं एंड देन हम सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर को चैप्टर की तरफ मूव करते हैं. डोंट वरी, वो फटाफट अपलोड हो जाएंगे एंड आपका ये चैप्टर है जल्द से जल्द कवर होके. नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मॉर्फोलॉजी, जो सबसे मोस्ट अवेटिंग चैप्टर है. ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चों को पूछा है, बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि मॉर्फोलॉजी, किंगडम प्लांट टेप हम ये सारे कराओ. तो ठीक है, फिर यही करते हैं, मॉर्फोलॉजी करते हैं. तो आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं पहले लिम्फ, जिसको आप टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? टिश्यू फ्लूइड. ठीक है, तो पहले देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है, फिर आपको थोड़े बहुत इमेजेस दिखाना चाहूंगी सो दैट यू अंडरस्टैंड लिम्फ इन डिटेल. सो एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यूज, सम वॉटर अलॉन्ग विद many small water soluble substance move out into the spaces between the cells of tissue, leaving the larger protein and most of the formed element in the blood vessel. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ये देखो. अभी फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लंग्स, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. तो अब ये लंग्स के अंदर जब आर्टरीज वगैरह जाती है तो वो डिवाइड हो जाती है. ठीक है, डिवाइड हो जाती है एंड वो डिविजन को बेटा हम कहते हैं कैपिलरीज. क्या कहते हैं हम? कैपिलरीज. ठीक है, तो आर्टरीज जब अंदर टिश्यूज के अंदर जाती है तो वो डिवाइड हो जाती है इनटू कैपिलरीज, बिकॉज़ कैपिलरीज आर वेरी फाइन, वो हर एक रीजन ऑफ द ऑर्गन को पहुंच सकती है, इसीलिए आर्टरीज डिवाइड होती है इनटू कैपिलरीज. बट जब ये आर्टरीज डिवाइड होती है इनटू कैपिलरीज तो जो कैपिलरीज होती है बेटा वो होती है पोरस. कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज होती है पोरस, मीन उसके अंदर, सॉरी उसके वॉल के ऊपर पोर्स होते हैं लाइक दिस. ठीक है, ये देखो कैपिलरीज है, तो कैपिलरीज के ऊपर बीच बीच में ऐसे पोर्स होते हैं, तो ये कुछ ऐसी होती है. ये देखो दिख रही है, ये कुछ ऐसी हो रही है. तो अब ये पोर्स में से कुछ चीजें हैं जो बाहर आ जाती है. पोर्स में से कौन सी चीजें बाहर आ जाती है? कुछ चीजें हैं. कैपिलरीज में ब्लड रन हो रहा है, राइट? तो वो ब्लड में से कुछ चीजें बाहर आ जाती है जो होती है आपकी वॉटर सोल्यूबल सब्सटेंस. क्या होती है? वॉटर सोल्यूबल सब्सटेंस मीन्स ऐसी चीजें जो वॉटर में सोल्यूबल हो सके. बट दो चीजें हैं जो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगी, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर, दैट इज योर आरबीसी एंड योर लार्जर प्रोटीन. ठीक है, क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यू लिविंग द लार्जर प्रोटीन, मीन्स जो प्रोटीन है वो बाहर नहीं आएंगे. लार्जर प्रोटीन्स मीन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह आपके कैपिलरी से बाहर नहीं आ सकते. प्लस मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड वेसल. फॉर्म्ड एलिमेंट्स मीन्स यहाँ पर सेल्स की बात हो रही है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की बात हो रही है. तो ये भी मोस्ट ऑफ देम बोला है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आएगा. डब्ल्यूबीसी बाहर आ सकते हैं बिकॉज डब्ल्यूबीसी के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है ऑफ डायपिडीसिस, करेक्ट? तो वो स्क्वीज होके ये पोर से बाहर निकल जाती है, लेकिन आरबीसीज नहीं निकलती हैं, बिल्कुल भी नहीं निकलती हैं. ठीक है, तो प्लीज ये बात याद रखें कि लार्जर प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट, स्पेसिफिकली हम यहाँ पे आरबीसीज की बात कर रहे हैं, वो बाहर नहीं आती है. एंड जब वो वॉटर, बाकी चीजें, ये दो चीजें नहीं आती है, राइट? बट कुछ चीजें हैं, वॉटर है, दूसरे सॉल्यूट्स है, वो सारी चीजें बाहर आ जाती है. एंड वो चीजें जो होती है वो यहाँ पे जो सेल्स है, ये देखो आपका जो ऑर्गेन है वो किसका बना हुआ है? ऑर्गेन बना हुआ है सारे सेल्स का, राइट? ऑर्गेन किसका बनाया हुआ है बेटा? सेल्स. ये देखो मैंने ये सेल्स बना दिए. तो अब मैं दूसरा कलर, येलो कलर लेती हूँ. तो जैसे ही ये अंदर से, जैसे ही अंदर से फ्लूइड बाहर आता है, बिकॉज कैपिलरीज पोरस है, वो किधर भर जाता है? वो आपके सेल्स के बीच में भर जाता है. किधर? सेल्स के बीच में. दिख रहा है सेल्स जा रहा है क्या? सेल्स के अंदर नहीं जा रहा है बेटा, वो सेल्स के बीच में जा रहा है.
सो दिस फ्लूइड रिलीज आउट, ओके, ये जो सेल्स के बीच में आ रहा है इसको हम कहते हैं इंटरस्टीशियल फ्लूइड, या फिर बेटा आप इसको कहते हो टिश्यू फ्लूइड, या फिर आप इसको लिम्फ भी कह सकते हो. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरस्टीशियल फ्लूइड या फिर लिम्फ. तो कैपिलरी से जो फ्लूइड बाहर निकलता है, ठीक है, वो ऑर्गेन, ऑब्वियसली ऑर्गेन में रन हो रही है कैपिलरीज, तो उसके सेल्स के बीच में जो वाटर जमा हो जाता है, जो फ्लूइड जमा हो जाता है टू बी मोर प्रिसाइज, उसको हम कहते हैं इंटरस्टीशियल और टिश्यू फ्लूइड. इट हैज द सेम मिनरल कंपोजिशन एज दैट इन प्लाज्मा. तो उसमें वही मिनरल्स है जो कि मैंने आपको प्लाज्मा में बताए थे. ठीक है, तो आप इसको मार्क कर ले हाइलाइटर यूज करके. ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो वॉटर अलॉन्ग विथ सम वॉटर सोल्यूबल सब्सटेंस मूव आउट इन टू द स्पेसिस बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यू. ठीक है, खाली प्रोटीन्स और लार्ज एलिमेंट्स नहीं आते, एंड ये फ्लूइड को हम कहते हैं इंटरस्टीशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड. इसमें सेम मिनरल कंपोजिशन है जो कि आपके प्लाज्मा में देखने को मिलता है. फिर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट इज गैसेस बिटवीन द ब्लड सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड. तो जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके और गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स, ठीक है, मतलब ब्लड और सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है वो ये फ्लूइड्स के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है. अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. हम क्या कहते हैं, जो ब्लड होता है वो हर जगह को सप्लाई करता है, करेक्ट, हमारे बॉडी में ब्लड हर एक पार्ट को सप्लाई करता है, लेकिन ब्लड का, लेकिन जो सेल्स को, जो सेल्स को आपके जो भी मिनरल्स या फिर जो भी रिक्वायरमेंट होती है, इट इज डन, इट इज गिवन बाय दिस इंटरस्टीशियल फ्लूइड. तो पहले ब्लड से निकल जाता है ये इंटरस्टीशियल फ्लूइड, और ये इंटरस्टीशियल फ्लूइड आपके सेल्स को सारी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स करता है. क्लियर है? ठीक है. एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक वेसल्स कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर वेन्स. तो एक बड़ा सेट ऑफ वेसल्स है, ये मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी. ठीक है, नेटवर्क ऑफ वेसल्स है जिसको आप कहते हो लिम्फैटिक सिस्टम. सो लिम्फैटिक सिस्टम जो होता है वो ये फ्लूइड को कलेक्ट करता है, ये जो फ्लूइड निकल रहा है ना आपके ब्लड से, ओके, आपकी कैपिलरी से जो ब्लड, जो आपकी कैपिलरी से जो फ्लूइड निकल रहा है वो फ्लूइड आपके ड्रेन हो जाता है, पहले कलेक्ट हो जाता है इनटू आपका लिम्फैटिक सिस्टम. किसमें कवर हो जाता है? लिम्फैटिक. तो ये जो इंटरस्टीशियल फ्लूइड है ये जाता है आपके लिम्फैटिक सिस्टम में, और लिम्फैटिक सिस्टम जो होता है ये फ्लूइड को फिर से डाल देता है वेन में. ठीक है, मतलब ये नेटवर्क है, ब्लड टू द लिम्फैटिक सिस्टम, लिम्फैटिक सिस्टम टू द ब्लड. तो ये एक साइक्लिंग टाइप ऑफ चीजें है जो चलती आ रही है. ठीक है, सो कैपिलरी से इंटरस्टीशियल फ्लूइड बना, फिर वो एक्सेस फ्लूइड जो था वो लिम्फैटिक सिस्टम में गया, फिर लिम्फैटिक सिस्टम में से जो एक्सेस फ्लूइड था वो ड्रेन हो गया अगेन बैक टू द ब्लड, दैट इज इनटू द वेन. क्लियर है? तो जो फ्लूइड आपके लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है उसको लिम्फ कहते हैं. ठीक है, सुनो, तो अब जब ये इंटरस्टीशियल फ्लूइड, ये टिश्यू फ्लूइड आपके लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है, तो जैसे ही वो लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है यहाँ पर हम उसको क्या कहने लगते हैं? लिम्फ. यहाँ पर हम क्या कहने लगते हैं उसको? लिम्फ कहने लगते हैं, जो कि एक कलरलेस फ्लूइड है जिसके अंदर स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, कम ऑन, मार्क विथ मी. लिम्फ तो है, कलरलेस फ्लूइड है जिसके स्पेशलाइज स्पेशल लिम्फोसाइट्स है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं, इम्यूनिटी में प्ले रोल करते हैं. ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में बताया ना, एंटीजन अंदर जाता है, एंटीबॉडी बनती है, तो ये सारे लिम्फ में वो लिम्फोसाइट्स होते हैं जो आपके बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी प्रोवाइड आपको करते हैं, एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करते हैं. प्लस लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स, ऑब्वियसली ना, बिकॉज उसमें जो प्लाज्मा में है वो लिम्फ में भी है, करेक्ट, बिकॉज जो प्लाज्मा में है वही इंटरस्टीशियल फ्लूइड में है, जो इंटरस्टीशियल फ्लूइड में होगा वही लिम्फ में होगा, इसीलिए लिम्फ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कैरियर है न्यूट्रिएंट्स और हॉर्मोन का. जो फैट्स होते हैं दे आर अब्सॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल विलाय. वॉट आर इंटेस्टिनल विलाय? इंटेस्टाइन में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, राइट? तो जो भी आपके बॉडी में जो भी फैट्स एब्जॉर्ब, ये देखो फिंगर प्रोजेक्शन होते हैं, तो जो भी फैट्स एब्जॉर्ब होते हैं दे आर अब्सॉर्ब बाय दिस लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, जिसको आप लैक्टियल्स कहते हैं. ब्लड क्या एब्जॉर्ब करेगी? ब्लड एब्जॉर्ब करेगी आपके अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, ठीक है. तो आपके फूड का जो भी ग्लूकोज न्यूट्रिएंट है या जो भी अमीनो एसिड है वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा थ्रू कैपिलरीज, ठीक है.
लेकिन जो फैट्स होगा दैट विल बी एब्जॉर्ब थ्रू लैक्टियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ओके, दैट विल बी एब्जॉर्ब थ्रू लैक्टियल, दैट्स इट. सबको समझ में आ गया है कि व्हाट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कहाँ से आई ये फ्लूइड, फिर वो लिम्फैटिक सिस्टम में वही फ्लूइड गई तो उसको हमने लिम्फ कह दिया, फिर वहां से जो एक्सेस फ्लूइड था वो वेन में चला गया, तो ये एक साइकिल टाइप है, ठीक है. तो चलो अब डायग्राम से समझ लेते हैं इसको. एनसीईआरटी हो गई है हमारी, अब लेट अस गो एंड स्टडी फ्यू डायग्राम्स, ठीक है. ये देखो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये देखो वेन्स है, ये देखो, और ग्रीन वाली जो है ना बच्चा, ग्रीन वाली आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज, इधर पे मेरे एरो को फॉलो करो, एंड ये है आपके कैपिलरीज. तो ये दिख रहा है कैसे जो भी आपकी लिम्फेटिक्स है वो भी वेन्स में जुड़ जाती है, ठीक है. तो ये लिम्फेटिक सिस्टम से जो कैपिलरीज वगैरह जाती है ना वो भी अल्टीमेटली आपके वेन्स में ही ड्रेन आउट होती है. ये देखो आपका ऊपर ऊपर वाले डायग्राम में देखो जल्दी से, ये देखो सर्कुलेटरी सिस्टम है, दो टाइप में होता है, दो सेट में होता है, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. खैर अभी सिर्फ लिम्फेटिक वेसल्स पे ध्यान दो. ये देखो लिख रहा है लिम्फेटिक वेसल्स, बीच में लिम्फ नोड्स है, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगी, तो इसके अंदर लिम्फ फ्लो होता है, क्लियर है, ओके. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. चलो सो अब जो मैंने आपको बताया है कि जो इंटरस्टिशियल या टिश्यू फ्लूइड होता है वो लिम्फेटिक वेसल्स में ड्रेन होता है, तो दो इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जिसको आप कहते हो, द फर्स्ट वन इज लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, जिसको आप थोरैसिक डक्ट कहते हो, राइट लिम्फेटिक डक्ट विच इज अगेन अ थोरैसिक डक्ट, ठीक है. तो दो मेन लिम्फ वेसल होते हैं जिसके अंदर ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड ड्रेन होता है, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट. ये देखो सो थोरैसिक डक्ट इज द मेन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम. जो थोरैसिक डक्ट होगा यहाँ पर वो मेन डक्ट है जो कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम से फ्लूइड कलेक्ट कर रहा है. सो ये कहाँ कहाँ से लिम्फ को कलेक्ट कर रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, नेक, चेस्ट, लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी एंड एंटायर बॉडी बिलो रिब्स. सो लिम्फेटिक जो लेफ्ट थोरैसिक डक्ट होगा, ओके, तो वो कहाँ कहाँ से लिम्फ को रिसीव करेगा, इन जगहों से आपके लिम्फ को रिसीव करेगा. ये देखो अगेन आई टोल्ड यू कि ये देखो लिम्फेटिक वेसल्स कमिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये दिख रहा है, ये आपको विलाई का डायग्राम समझ में आ रहा होगा, करेक्ट. तो इसमें आपके ब्लड वेसल्स है एंड यहाँ पर आपके ये जो ये दिख रहा है ना जहां पर एरो, ये आपका लैक्टियल्स है. तो ये लैक्टियल्स जो होता है ये मिल्की इन अपीयरेंस होते हैं, थोड़ा डायग्राम में मिल्की नहीं दिख रहा है बट दे आर मिल्की इन अपीयरेंस बिकॉज लैक्टिस का मतलब होता है मिल्क, लैक्टिस का मतलब क्या होता है, मिल्क, एंड दिस हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ठीक है. और लास्ट चीज लिम्फेटिक चीज में, लिम्फेटिक सिस्टम में आपको पता होना चाहिए, दैट इज लिम्फ नोड्स. ये देखो दिख रहे हैं, तो स्मॉल ओवल बीन शेप के बॉडीज होते हैं जो आपके लिम्फेटिक वेसल्स, ये देखो ऐसे लिम्फेटिक वेसल्स है ना, तो ऐसे बीच बीच में होते हैं ऐसे. सो दीज आर स्मॉल, दीज आर ओवल शेप बॉडीज जो बीच बीच में आपके लिम्फेटिक वेसल्स के होते हैं एंड दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है. आपके पूरे लिम्फ, बिकॉज जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है ना बेटा, वैसे ही आपके पूरे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम भी है जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से कनेक्टेड है, तो वही लिम्फेटिक वेसल्स में बीच 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 में लिम्फ नोड्स होंगे, ठीक है. तो इसको कहते हैं स्कैटर्ड है, इसलिए कहते हैं हम स्कैटर्ड है, जैसे हर जगह ब्लड वेसल्स है वैसी हर जगह लिम्फ वेसल्स है, और लिम्फ वेसल्स के कोर्स में आपके हैं लिम्फ नोड्स जिसमें से मैक्सिमम होते हैं आपके नेक में, आपके आर्मपिट्स में एंड आपके ग्रॉइन रीजन में, ठीक है. सो दे एक्ट एज अ फिल्टर, उनका काम क्या होता है, वो दे एक्ट एज अ फिल्टर एज मैक्रोफेजेस ऑफ लिम्फ नोड्स रिमूव बैक्टीरिया, फॉरेन मटेरियल एंड सेल डेब्रिस. मतलब वो फिल्टर, जैसे छन्नी से आप चाय की पत्ती नहीं निकाल के फेंक देते हो, वैसे ही ये लिम्फ नोड्स के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं विच आर द फाइटिंग सेल्स ऑफ द टिश्यूज, पता है ना मैक्रोफेजेस टिश्यूज वगैरह में पाए जाते हैं, राइट. तो मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो आपके बैक्टीरिया, फॉरेन मटेरियल या फिर सेल का जो भी डेब्रिस है, वेस्ट है या डैमेज सेल है, उसको निकालकर खत्म कर देता है, ठीक है. इसलिए उसको हम कहते हैं वो फिल्टर है. प्लस ये लिम्फोसाइट्स भी प्रोड्यूस करता है एंड एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करता है. तो लिम्फ नोड्स आल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज. ओके सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम. तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करेगा बेटा, एक्सेस जो टिश्यू फ्लूइड है, हमने पढ़ लिया टिश्यू फ्लूइड कैसे बना है, ओके, वो फिर से ब्लड के अंदर भेज देगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिक वेस्ट जो है जो आपके टिश्यू फ्लूइड में था, ऑब्वियसली जब वो फ्लूइड को ब्लड में डाल रहा है तो फ्लूइड से जो जो चीजें हैं वो भी ब्लड में डाल देगा. फिर इट टेक्स लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज फ्रॉम द लिम्फेटिक नोड्स टू द ब्लड, बिकॉज लिम्फ नोड्स आपके प्रोड्यूस कर रहे हैं लिम्फेटिक्स एंड एंटीबॉडीज. तो ये प्रोड्यूस करने के बाद ये लिम्फ जो होता है, फ्लूइड होता है, वो कहाँ ले जाता है ये चीजों को, आपके ब्लड में.
प्लस इन्वेडिंग जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने में लिम्फ नोड्स काम करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो एब्जॉर्ब फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ ब्लड. ठीक है. अब यस बिफोर वाइंडिंग अप दिस पार्ट आपको मैं पूछना चाहूंगी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आई हैव टॉट यू आई थिंक सो आई डोंट रिमेम्बर बट स्टिल मैंने नहीं भी पढ़ाया तो आपने तो पढ़ा ही होगा कि आपके जो फैट्स एक पर्टिकुलर फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं. ठीक है. फैट्स का एब्जॉर्प्शन का एक मैकेनिज्म एक छोटा सा पॉइंट है. ठीक है. वो आपने पढ़ा होगा करेक्ट. अगर नहीं पढ़ा है आपको उसको नहीं उसके बारे में नहीं पता है तो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन आई विल टेल यू इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट ऑब्वियसली कि कैसे फैट्स एब्जॉर्ब होते हैं. उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. याद करो क्रॉन्स माइक्रॉन ऐसे कुछ तो होते हैं माइक्रॉन्स. आई विल नॉट टेल यू व्हाट इज इट बट आई वांट यू टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि हाउ फैट्स आर एब्जॉर्ब. क्या डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं या कोई फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. क्या होता क्या है फैट एब्जॉर्प्शन कैसे होता है बॉडी में थ्रू लैक्टियस दैट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू डोंट नो नो प्रॉब्लम आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम एंड लिम्फ. वेरी इजी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि कैसे कैपिलरी से आ रहा है आपका जो फ्लूइड जिसको आप इंटरस्टीशियल या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं जो आपके सेल्स के बीच में जमा हो जाता है और जो भी एक्सेस फ्लूइड होता है वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में ड्रेन हो जाता है. करेक्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक डक्ट कौन सा है थोरासिक डक्ट. करेक्ट. फिर वो डक्ट क्या करता है जो भी एक्सेस फ्लूइड होता है वहां से फिर से लेकर चला जाता है ब्लड वेन्स तक. करेक्ट. वेन्स में फिर से ड्रेन कर देता है. एंड ये लिम्फेटिक वेसल्स के कोर्स में लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि मैक्रो जिसमें जो सेल्स होते हैं उनको मैक्रोफेजेस कहते हैं जो फॉरेन बॉडीज या फॉरेन बॉडीज को किल करने में काम करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वो लिम्फोसाइट्स भी प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करता है. करेक्ट. एंड दैट्स इट. एंड लिम्फ जो होता है वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो होता है चलो बताओ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. लिम्फ कौन से डायरेक्शन में फ्लो होता है. लिम्फ वन डायरेक्शन में फ्लो होता है या दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन टिल देयर. So I'll wind up with this lecture now itself. I'll meet you soon with the next lecture where we are going to talk about circulatory pathway. But two questions I have asked you in this video. The first one is how fats are absorbed, and the second one is lymph. कितने direct मतलब lymph unidirectional flow होता है या bidirectional flow होता है. That you have to tell me in the comment section. Okay. और नहीं पता है तो भी लिख देना because I'm going to tell you the answer. Okay. Till then, bye. Take care. Work hard. Study hard. Work for your dreams and do follow to my channel and subscribe it and share it with your friends as much as you can.